और अब खबर नागरिकता कानून से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली से लखनऊ तक इस बात को लेकर जंग जारी है। लखनऊ में कल रात पुलिस से आमना सामना होने के बावजूद प्रदर्शनकारी आज सुबह से डटे हुए हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली और लखनऊ की। शाहीन बाग की जो तस्वीर है दिल्ली की, वो आज भी वैसे ही सामने आई जो पिछले एक महीने से लगभग जारी है। उधर शाहीन बाग में भी आपको बता दें कि संग्राम की तस्वीरें हैं और आज जश्न शाहीन बाग कार्यक्रम में, जिसमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी तरफ लखनऊ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, घंटाघर इलाका है जहां पर शाहीन बाग की ही तर्ज पर महिलाएं डटी हुई हैं। लखनऊ के घंटाघर में मुस्लिम महिलाओं का नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई हैं और आजादी के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। लगातार जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वे हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, साथ ही साथ रिजेक्ट सीए बायकॉट एनआरसी के प्लेकार्ड भी महिलाओं द्वारा लिए गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। हम कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं सीए को लेकर, लेकिन सरकार कह रही है कि इससे किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी नुकसान नहीं है, सरकार कार्यक्रम भी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? साफ साफ ये बात कही है उन्होंने, रिलीजन की बात क्यों की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रिलीजन कहाँ से बीच में लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन तो कहीं मेंशन ही नहीं था। उन्होंने मुस्लिम्स को ही क्यों हटा दिया, सबको साथ ले लिया, मुस्लिम्स को ही क्यों हटा दिया, रिलीजन तो कहीं मेंशन ही नहीं था ना। रिलीजन कहाँ से बीच में आ गया, इक्वालिटी हमारा राइट है, राइट टू इक्वालिटी, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए जैसे और रिलीजन के लोगों को ट्रीट किया जाता है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें, इक्वालिटी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी सेम यही कहना है कि उन्होंने जो रिलीजन मेंशन कर दिया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पहले उन्होंने सीए भी किया, चलो बिल था, उसको उन्होंने एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्ट करने के बाद में उन्होंने, अमित शाह जी ने बोला एनआरसी आएगा और आकर के रहेगा, और मोदी जी कह रहे हैं उसको, मतलब हमारे जो नागरिक हैं भारत के उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, उन्होंने जो रिलीजन मेंशन किया उससे तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। नागरिकता कानून पर कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन साफ साफ दिखने लगा है। पार्टी के सीनियर नेता अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि राज्य सरकार कानून लागू करने को बाध्य है, तो पार्टी के दूसरे नेता कुछ और ही कह रहे हैं। You come to national politics, I think we all must stand together because this is a national legislation. You must know that if the CAA is passed, no state can say I will not implement it. That's not possible. That is unconstitutional. You can oppose it. You can pass a resolution in the assembly and ask the central government to say please withdraw it. But constitutionally, to say that I will not implement it is going to be problematic. And it's going to create more difficulty. So what we need to do is politically get together. आज की स्थिति क्या है, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, हमारी उम्मीद क्या है, हम आशा क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और अंततः जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा। आज अभी जो भी कोई अपना मत प्रस्तुत कर रहा है या कोई भी पोजिशन ले रहा है वो एक प्रोविजनल पोजिशन है, वो एक अस्थाई उनका मत है जो अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ही फाइनल हो सकता है और उसको अंतिम स्वरूप दिया जा सकता है।